Hello everyone, in this video we will do some important previous years questions of introduction to computer networks. So let us start with the first question. Briefly explain the basic concepts of a web server and web hosting. आपको web server and web hosting का concept बताना है कि web server and web hosting क्या होता है. Okay? A web server is used to store and deliver the contents of a website. Web server क्या है? एक setup है. Setup है hardware and software का, जो क्या करता है? जो websites को store करता है और deliver करता है जब किसी भी website की request web server के पास आती है. Okay? यहाँ पे क्या है? देखो, deliver the contents of a website to the clients. Client क्या है? आपका web browser है. Okay? आप अपने web browser से जब किसी भी website की web document की request send करते हो, वो कहाँ जाती है? वो वेब सर्वर के पास जाती है और वेब सर्वर अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर वेबसाइट को आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले कराता है. ओके, सच एज ब्राउजर डेट रिक्वेस्ट इट. ओके, अ वेब सर्वर कैन बी अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी. इनफैक्ट वेब सर्वर क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. फाइन. Now, web hosting क्या है? It is a service that allows to put a website or web page onto the internet. Web hosting वो सर्विस है जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट को या वेब डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर पब्लिश करा सकते हो, इंटरनेट पर अवेलेबल करा सकते हो जिससे लोगों तक वो पहुंच सके. ओके, एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. जब आप वेब होस्टिंग करते हो, वेब होस्टिंग सर्विस की हेल्प से आप अपने वेब डॉक्यूमेंट को, अपने वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट बना सकते हो. फाइन. नाउ रति इज डूइंग अ कोर्स इन नेटवर्किंग. रति नेटवर्किंग में एक कोर्स कर रही है. ओके, शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ URL. उसे URL का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है. फाइन. हेल्प हर बाय एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल. आपको URL समझाना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. नाउ URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. राइट, इट प्रोवाइड्स द लोकेशन एंड मैकेनिज्म टू एक्सेस द रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट. तो URL क्या है? URL किसी भी वेबसाइट या वेब डॉक्यूमेंट का कंप्लीट एड्रेस है. ओके, URL की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट को लोकेट कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो. राइट, जब भी आप किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखोगे अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में, तो क्या होगा? आपके पास वो वेबसाइट आ जाएगी. ओके, फाइन. URL is sometimes also called as web address. URL को web address भी कहा जाता है. It not only contains the domain name but other information as well that completes a web address. तो ये complete information contain करता है URL, जिसके अंदर domain name भी होता है. Okay, उसका protocol भी होता है. Fine, file name भी होता है. तो it contains the complete information. जैसे एक house address होता है, house address में क्या होगा? आपका house number भी होगा, आपका block number भी होगा. Okay, आपके सेक्टर का नंबर भी होगा एंड उस पर्टिकुलर सिटी का भी नाम लिखोगे. ऐसे ही URL होता है जो क्या करता है? कंप्लीट एड्रेस कंटेन करता है किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का या वेबसाइट का. ओके, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे, देखो HTTPS ये आपका क्या है? प्रोटोकॉल है. देन www.cbse.nic ये क्या हो गया? इसका डोमेन नेम हो गया. देन .in. ओके, तो .in से क्या हो गया? इससे पता चलता है इंडिया की वेबसाइट है. ओके, तो ये क्या है? कंप्लीट एड्रेस है. फाइन. लाइक HTTPS www.mhrd.gov.in. फाइन. www.ncert.nic.in. दीज आर द एग्जांपल्स. तो आप जब URL लिखोगे तो एक दो एग्जांपल आपको जरूर लिखने हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द टर्म वेब पेज एंड होम पेज. आपको बताना है वेब पेज एंड होम पेज. ओके, इनको एक्सप्लेन करना है. नाउ वेब पेज. अ वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट. वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट का पार्ट होता है. एक वेबसाइट होती है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं. तो वेब पेज क्या है? वन ऑफ द पेजेस ऑफ वेबसाइट. ठीक है, वेबसाइट के किसी भी पेज को आप वेब पेज कहोगे. एंड इज कॉमनली रिटन इन HTML. मोस्टली आप वेब पेज किस में लिखते हो? HTML में, DHTML में आप लिखते हो. ओके, मतलब क्रिएट करते हो, नॉट लिखते हो, आप उसको क्रिएट करते हो. इट कैन बी एक्सेस टू अ वेब ब्राउजर. और वेब पेजेस को आप कैसे एक्सेस करते हो? वेब ब्राउजर की हेल्प से. फाइन. होम पेज क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज कहा जाता है. इट इज द फर्स्ट वेब पेज यू सी व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट. फाइन. नाउ मेंशन एनी फोर नेटवर्किंग गोल्स. अब नेटवर्किंग गोल्स आपको बताने हैं.
राइट, नेटवर्किंग के क्या फायदे हैं। फोर नेटवर्किंग गोल्स आर रिसोर्स शेयरिंग। फाइन, नेटवर्किंग जब आप कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग करते हो, आप क्या कर सकते, क्या करते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर रिसोर्स शेयर कर सकते हो। लाइक एक प्रिंटर को आप मल्टीपल कंप्यूटर से अटैच करके क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स उस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। राइट, जैसे आप क्या करते हो, आपके कंप्यूटर लैब्स में होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक प्रिंटर से अटैच होते हैं। आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के कमांड दो, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रिंटर पर। फाइन, ऐसे ही आप स्कैनर शेयर कर सकते हो, आप हार्ड डिस्क शेयर कर सकते हो। फाइन, रिलायबिलिटी, ये जो प्रोसेस होता है बहुत रिलायबल होता है। फाइन, आप इस पे भरोसा कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव, यहाँ पे देखो जब रिसोर्स शेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रिंटर्स नहीं चाहिए, मल्टीपल स्कैनर्स नहीं चाहिए, मल्टीपल हार्ड डिस्क नहीं चाहिए, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया नेटवर्किंग। फाइन, फास्ट डेटा शेयरिंग, और बहुत जल्दी डेटा शेयर होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ओके, नाउ एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपको इन ये टर्म्स दी गई हैं, इनको एक्सपेंड करके बताना है। तो सबसे पहले है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, सेंडर से रिसीवर तक मेल पहुंचाता है। फाइन, तो ये मेल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम सेंडर के सर्वर से लेकर रिसीवर के सर्वर तक मेल को पहुंचाता है। फिर आपका है POP, POP स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। POP प्रोटोकॉल क्या करता है, SMTP से मेल लेता है, ओके, और रिसीवर के सर्वर के अंदर उसको सेव कर देता है, जिससे जब भी सर्वर के अंदर सेव कर देगा तो जब भी यूजर उसको एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सकता है। फाइन, देन आपका FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, टू ट्रांसफर फाइल अमंग द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए। नाउ आपका है VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से आप इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट पे वॉइस कॉल्स को यूज कर सकते हो। राइट, नाउ अमन, अ फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर, हैज बीन असाइंड अ टास्क टू डिजाइन फ्यू वेब पेजेस फॉर अ बुकशॉप। ठीक है, तो अमन क्या है, एक वेबसाइट डेवलपर है जिसको डिजाइन करने के लिए कहा गया है कुछ वेब पेजेस को बुकशॉप के लिए। ओके, हेल्प अमन इन डिसाइडिंग आउट ऑफ स्टेटिक वेब पेजेस एंड डायनेमिक वेब पेजेस, व्हाट काइंड ऑफ वेब पेजेस शुड बी डिजाइन बाय क्लियरली डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द स्टेटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस ऑन एटलीस्ट टू पॉइंट्स। आपको टू पॉइंट्स बताने हैं, डिफरेंशिएट करना है स्टेटिक वेब पेज में एंड डायनेमिक वेब पेज में। राइट, ओके, तो आप ऐसे टेबल बना लेना। ठीक है, यहाँ पे टू पॉइंट्स पूछे हैं तो हम टू पॉइंट्स ही बताएंगे, स्टेटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। ओके, कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेब पेज कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम। तो स्टेटिक जो वेब पेज होते हैं उनका कंटेंट क्या होता है, आपने एक बार सेव कर दिया, आप जितनी बार भी उस वेब पेज को विजिट करोगे सेम कंटेंट आपको मिलेगा। राइट, वो चेंज नहीं होता है। ओके, डायनेमिक पेजेस का कंटेंट क्या होता है, कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेब पेज कैन बी चेंज एट रन टाइम। रन टाइम मीन्स जब आप उस पर विजिट कर रहे हो, इवन ड्यूरिंग दैट पीरियड उस पर जो डेटा है वो चेंज होता रहेगा। फाइन, ओके, तो ये क्या होता है, डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं। अब स्टैटिक वेब पेज क्या है, नो इंटरेक्शन विद द सर्वर्स डेटाबेस इज पॉसिबल इन केस ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेज में आप कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते उस पेज के साथ। ओके, उसमें ऐसा कोई भी कॉलम नहीं मिलेगा जहां पे आप इंटरेक्ट कर सको। फाइन, ओके, लेकिन डायनेमिक वेब पेज कैसे होते हैं, इंटरेक्शन विद द सर्वर्स डेटाबेस इज पॉसिबल इन केस ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस। लेकिन अगर आप डायनेमिक वेब पेजेस यूज कर रहे हो तो आप रन टाइम पर उस पर इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइक जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया, उसको सबमिट किया तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे रन टाइम पे आप वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। फाइन, या फिर आपने कोई क्वेरी पूछी, एनी कोई भी क्वेरी डाली उस वेब पेज में और आपके पास आंसर आ गया, तो ये कौन सा वेब पेज हुआ, ये डायनेमिक वेब पेज हुआ। ओके, नाउ प्रियंका, अ बिगनर इन IT फील्ड, हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग वेब टेक्नोलॉजीज। प्रियंका ने न्यू वेब टेक्नोलॉजीज को लर्न करना स्टार्ट किया है। हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट एंड वेब पेज। उसको बताना है कि वेबसाइट और वेब पेजेस में डिफरेंस क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल जर्नल एग्जाम्पल ऑफ ईच, और दोनों का एग्जाम्पल भी देना है। ओके, वेबसाइट और वेब पेज का।
राइट, द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब पेज इज दैट अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस. वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस. एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, ओके, कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. और एक वेबसाइट क्या होती है? इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है किसी भी टॉपिक के ऊपर. फाइन, तो और वेब पेज क्या है? वेब पेज वेबसाइट का पार्ट है, ओके. वेब पेज इज एन इंडिविजुअल पेज ऑफ अ बिग वेबसाइट यूजली कंटेनिंग मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. वेब पेज क्या होता है? एक इंडिविजुअल पेज होता है, ओके, जो वेबसाइट का पार्ट होता है. इफ वी कंपेयर अ वेबसाइट विद अ बुक, अगर हम मान लो वेबसाइट क्या है? एक बुक है, ओके, देन वेब पेज कैन बी कंपेयर्ड विद अ सिंगल पेज ऑफ दैट बुक. और वेब पेज क्या है? उस बुक का एक पेज है, सिंपल. तो वेबसाइट हमारी क्या हो गई? वेबसाइट आपकी हो गई एक बुक. फाइन, वेबसाइट आपकी हो गई बुक, और उस बुक के अंदर जो एक पेज है वो क्या है? आपका वेब पेज है. फाइन, नो, ओके. अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आएंगे. यहाँ पे क्या है? अनुतुल्य क्रिएशन अ स्टार्टअप फैशन हाउस हैज सेट अप इट्स मेन सेंटर एट कानपुर उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो अनुतुल्य क्रिएशन ने अपना क्या किया है? फैशन हाउस स्टार्ट किया है कानपुर में फॉर इट्स ड्रेस डिजाइनिंग प्रोडक्शन एंड ड्रेस सप्लाई. तो वहां पे क्या है? ड्रेस डिजाइनिंग भी होगी उस सेटअप में, प्रोडक्शन भी होगा, ड्रेस सप्लाई भी होगी. ओके, इट हैज 4 ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग. तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बनाए गए कंप्लीट सेटअप में. एक एडमिन ब्लॉक है, एक प्रोडक्शन ब्लॉक है, देन सप्लाई एंड डिजाइनिंग. राइट, डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स इज एज फॉलोस. और डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे ए टू डी 50 मीटर है, ए टू पी 60 मीटर, लाइक दिस. ओके, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक. और कंप्यूटर्स कौन से ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स हैं वो भी दिए. ए ब्लॉक में 20, डी में 80, पी में 15 एंड एस में 8, लाइक दिस. फाइन, ओके. अब हम देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन स्पेसिफिकेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. आउट ऑफ लैंड वैन एंड मैन व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इफ वी इंटरकनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑफ द कैंपस. तो कह रहे हैं कि अगर जितने भी कंप्यूटर्स है कैंपस में अगर हम उनको कनेक्ट करते हैं तो कौन सा नेटवर्क क्रिएट होगा. ओके, तो देखो ये विद इन द कैंपस है, तो विद इन द कैंपस क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क. फाइन, लैन, राइट, दिस इज विद इन अ सिटी नहीं है. ओके, आउटसाइड द सिटी नहीं है, ये यहाँ पे एक कैंपस के अंदर है. तो एक कैंपस के अंदर कौन सा नेटवर्क होगा? आपका लैन. तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन आप क्या दोगे? एज कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड विद इन द स्मॉल कैंपस विद इन अ स्मॉल रेंज. फाइन, ओके, एक छोटे से एरिया में स्मॉल कैंपस में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो कौन सा क्रिएट होगा आपका नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्क. नाउ सजेस्ट द टोपोलॉजी विच should be used to efficiently connect various blocks of building within Kanpur Center for fast communication. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन से टॉपोलॉजी का यूज किया जाए जिससे कि आप यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं कैंपस के अंदर उनको कनेक्ट कर सकें. फाइन, ऑल्सो ड्रॉ द केबल लेआउट फॉर द सेम. और आपको केबल लेआउट भी यहाँ पे ड्रॉ करना है. तो देखो यहाँ पे जो सिंपल मोस्ट टॉपोलॉजी आप यूज कर सकते हो वो है स्टार टोपोलॉजी. फाइन, राइट, यहाँ पे देखो स्टार टोपोलॉजी की हेल्प से आपने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ एक केबल लेआउट दे दिया है कि यहाँ पे डी से ए, देन पी एंड यहाँ पे एस, ये तो सारे ब्लॉक्स ज्वाइन हो चुके हैं डी से. तो आप अगर यहाँ पे कोई अपना स्विच या हब लगा देते हैं तो क्या कर सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन मैसेज को सप्लाई कर सकता है इन ऑल द ब्लॉक्स. राइट, तो यहाँ पे हम कौन सी टोपोलॉजी यूज करेंगे? यहाँ पे हम स्टार टोपोलॉजी यूज करेंगे. ओके, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद द जस्टिफिकेशन. अब आपको बताना है कि ये जो डिवाइसेस हैं आप इनको कहाँ कहाँ यूज करोगे. रिपीटर, अब रिपीटर देखो जहां पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा वहां पे हमें रिपीटर का यूज करना पड़ेगा. रिपीटर शुड भी, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस देख लेते हैं सबसे ज्यादा कहाँ है. डिस्टेंस सबसे ज्यादा है पी टू डी के अंदर, ठीक है, 150 मीटर का डिस्टेंस है. तो जहां पे भी रिपीटर आपको देखना हो तो डिस्टेंस देख लो कहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है वहीं पे रिपीटर का यूज किया जाएगा. अब देखो रिपीटर शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन द ब्लॉक डी डिजाइन एंड ब्लॉक पी, ठीक है, ब्लॉक डी एंड ब्लॉक पी एज डिस्टेंस इज मोर. राइट, रिपीटर का क्या यूज होता है? टू रीजनरेट द सिग्नल्स, सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, दो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए. राइट, और रिपीटर का यूज कहाँ किया जाता है? जहां पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है.
ओके तो सिंपली हम ये देख लेंगे जहां पे रिपीटर का यूज है कि कहां पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा है वहां पे रिपीटर यूज होगा। अब देखो सेकंड क्या है, हब और स्विच का यूज कहां होगा। हब और स्विच शुड बी प्लेस्ड इन ईच बिल्डिंग टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर्स टुगेदर। ओके तो यहाँ पे देखो विद इन द बिल्डिंग्स भी क्या है, विद इन द बिल्डिंग्स भी आपके पास क्या है कंप्यूटर्स, तो उनका नेटवर्क क्रिएट करने के लिए भी हब और स्विच का यूज कर सकते हो, और आपस में जो ये नेटवर्क क्रिएट करेंगे उसमें भी आप हब एंड स्विच का यूज कर सकते हो। फाइन ओके। Nowadays, video conferencing software is being used frequently by the company to discuss the product details with the clients. अब कंपनी क्या यूज करती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करती है ओके अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स को क्लाइंट के साथ डिस्कस करने के लिए। नेम एनी वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के नेम बताने हैं, बहुत सारे हैं आजकल तो। ऑल्सो मेंशन द प्रोटोकॉल विच इज यूज इंटरनली इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, और प्रोटोकॉल का भी यूज बताना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। फाइन तो यहाँ पे हमने कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के नेम लिख दिए, लाइक टीम्स हो गया आपका, जूम हो गया, स्काइप हो गया ओके और भी बहुत सारे हैं, आप नेम्स लिख सकते हो। और प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है आपका इंटरनेट पे वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स के लिए, वो होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VOIP। ओके नाउ अब हम देखेंगे 5 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा XYZ मीडिया हाउस है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है XYZ मीडिया हाउस कैंपस इज इन दिल्ली एंड हैज 4 ब्लॉक्स नेम Z1, Z2, Z3 एंड Z4। तो यहाँ पे आपका एक मीडिया हाउस है जिसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं Z1, Z2, Z3 एंड Z4, राइट। The tables given below show the distance between the different blocks and the number of computers in each block. देखो इस टेबल में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए गए हैं, इस टेबल में दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स। ओके Z1 एंड Z2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 80 मीटर्स, 65 मीटर्स, लाइक दिस। Now, the company is planning to form a network by joining these blocks. कंपनी क्या चाहती है, एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहती है इन सारे ब्लॉक्स को ज्वाइन करके। ओके अब हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आउट ऑफ द 4 ब्लॉक्स ऑन कैंपस सजेस्ट द लोकेशन ऑफ द सर्वर डेट विल प्रोवाइड द बेस्ट कनेक्टिविटी। अब आपको बताना है कि कौन से ब्लॉक में आपको सर्वर बनाना चाहिए, कौन से ब्लॉक को सर्वर बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखो जिस ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर होंगे उसको हम सर्वर बनाएंगे, क्योंकि जितने कंप्यूटर्स होंगे कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना ही आपके पास हार्ड डिस्क होगा, उतना ही आपके पास मेमोरी होगी। फाइन तो यहाँ पे देखो Z2 को आप बनाओगे सर्वर एज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो जहां पे सर्वर की बात हो तो हमेशा ध्यान रखना उस ब्लॉक को चुनना जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हो। ओके नाउ फॉर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट कनेक्शंस बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स विद इन द कैंपस सजेस्ट अ सुटेबल टॉपोलॉजी एंड ड्रॉ द सेम। आपको बताना है कि आप कौन सी टॉपोलॉजी क्रिएट करोगे जिससे कि क्या हो कनेक्शन एक बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट कनेक्शन क्रिएट हो अमंग द ब्लॉक्स। फाइन तो देखो मैंने अभी बताया था स्टार टॉपोलॉजी का हम यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपोलॉजी होती है और ये सबको कनेक्ट कर लेती है। ओके फॉर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स विद इन द कैंपस सुटेबल टॉपोलॉजी स्टार टॉपोलॉजी। ओके और लैन नेटवर्क के लिए स्टार टॉपोलॉजी सही रहती है। फाइन तो यहाँ पे देखो आपने स्टार टॉपोलॉजी क्रिएट कर दी है Z1 Z2। अब यहाँ पे देखो Z2 Z4 एंड Z3 लाइक दिस। फाइन और डिस्टेंस भी बता दिया आपने। ओके तो आप यहाँ पे ये नहीं है कि आप ये सोचो किसको किससे कनेक्ट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्लॉक किसी के भी साथ आप क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे मत करना कि ऐसे ऐसे कर दो तो ये रिंग टॉपोलॉजी बन जाएगी। रिंग टॉपोलॉजी नहीं बनानी आपको, स्टार टॉपोलॉजी बनानी है। तो स्टार टॉपोलॉजी आप क्रिएट करना। ओके नाउ सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन। अब आपको फिर से बताना रिपीटर और हब कहाँ कहाँ पे प्लेस होंगे। फाइन रिपीटर कहाँ पे होगा, जहाँ डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो हम सबसे ज्यादा डिस्टेंस देख लेते हैं 120 यहाँ पे Z2 से लेकर Z4 में। तो यहाँ पे टू बी प्लेस बिटवीन द Z2 एंड Z4। ओके ए डिस्टेंस बिटवीन डैम इज मोर देन 100 मीटर्स, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है 100 मीटर से ज्यादा है।
राइट और हब एंड स्विच कहाँ पे प्लेस होंगे, वो विद इन द ब्लॉक भी होंगे और आउटसाइड द ब्लॉक भी होंगे, जहाँ पे आप स्टार टोपोलॉजी के थ्रू सबको कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। टू बी प्लेस्ड इन ईच ब्लॉक एज ईच ब्लॉक हैज मेनी कंप्यूटर्स दैट नीड टू बी इंक्लूडेड टू फॉर्म अ नेटवर्क, क्योंकि ब्लॉक के अंदर भी आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से ज्वाइन करना पड़ेगा, और ब्लॉक के बाहर भी जब आप स्टार टोपोलॉजी क्रिएट करें तो वहां पे भी आपको हब या स्विच का यूज करना पड़ेगा, राइट। नो वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी इज टू बी यूज्ड विच अलाउज वन टू मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, एक्सपेंड द टर्म वीओआईपी। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि वीओआईपी का यूज किया जाता है वॉइस कॉल के लिए इंटरनेट कनेक्शन पर, ठीक है। तो आपको सिंपली ये बताना है कि वीओआईपी की फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपने बता दिया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन देखकर ही आंसर करना है, ठीक है। द एक्स वाई जी मीडिया हाउस इंटेंड्स टू लिंक इट्स मुंबई एंड दिल्ली सेंटर्स। तो ये क्या करना चाहता है, अपना मुंबई जो एक्स वाई जी मीडिया हाउस है, अपने मुंबई एंड दिल्ली के सेंटर्स को कनेक्ट करना चाहता है। आउट ऑफ लैंड मैन और वैन वॉट काइंड ऑफ नेटवर्क विल बी क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखो, जो नेटवर्क है दो अलग सिटीज के बीच में क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो ना तो वो लैन है ना ही मैन है। मैन क्या होता है, विद इन अ सिटी होता है, तो ये क्या है, वैन है, ओके। वैन एज द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड द मुंबई इज मोर देन 40 किलोमीटर्स, ओके। तो किस टाइप का नेटवर्क क्रिएट होगा, वैन नेटवर्क क्रिएट होगा, फाइन। नाउ प्राइम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे प्राइम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड क्या है, एक इंटरनेशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। इट इज प्लानिंग टू सेटअप इट्स इंडिया कैंपस एट मुंबई। वो अपना इंडिया कैंपस, मतलब अपना कैंपस मुंबई में सेटअप करना चाहती है विद इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली। और उसका हेड ऑफिस कहाँ पर, दिल्ली में सेटअप करना चाहती है। द मुंबई ऑफिस कैंपस हैज 4 मेन बिल्डिंग्स, एडमिन, अकाउंट्स, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट, राइट। मुंबई वाला जो कैंपस है उसमें 4 बिल्डिंग्स है उसकी, एग्जामिनेशन, अकाउंट्स, एडमिन एंड रिजल्ट, फाइन। You as a network expert have to suggest the best network related solution for their problems raised in 1st to 5th, keeping in mind the distance between the buildings and other given parameters. तो आपको इनकी problems को solve करना है। यहाँ पे distance दिया हुआ है, distance among the blocks, okay, distance among the different buildings, okay, and number of computers within the buildings, fine. ओके, फर्स्ट क्वेरी क्या है, सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इनसाइड द मुंबई कैंपस। अब देखो, सर्वर के लिए कौन सा आप चूज करोगे, जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे, जिस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे, टू गेट द बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे सर्वर आप किसको चुनोगे, आप यहाँ पे एडमिन को आप एज अ सर्वर लोगे, बिकॉज इसके अंदर 110 कंप्यूटर्स हैं, ओके। सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड इन एडमिन डिपार्टमेंट एज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां सर्वर वाला क्वेश्चन आए वहां पे देखना कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स किस ब्लॉक के अंदर है, किस बिल्डिंग के अंदर है, ओके। नाउ सजेस्ट एंड ड्रॉ केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग्स विद इन द मुंबई कैंपस फॉर अ वायर्ड कनेक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे टॉपोलॉजी आपको पता है हम कौन सी लेंगे, स्टार टॉपोलॉजी लेंगे, ओके। और आप यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने एडमिन ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है, स्टार टॉपोलॉजी यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दी विद द एग्जामिनेशन, अकाउंट्स एंड रिजल्ट, फाइन। Which networking device will you suggest to be procured by the company to interconnect all the computers of various buildings of Mumbai campus? तो ये कह रहा है कौन सा डिवाइस कंपनी को लेना चाहिए, ठीक है, ऑप्टेन कराना चाहिए, जिससे कि वो अपने जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, फाइन। तो यहाँ पे हब, आप स्टार टॉपोलॉजी क्रिएट करोगे तो आप हब या स्विच का यूज करोगे, राइट, फॉर द कनेक्टिविटी, राइट। Now, company is planning to get its website designed, which will allow student to see their results after registering themselves on its server. कंपनी क्या कर रही है, अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन करना चाहती है, जहां पे बच्चे क्या कर सके, अपना रिजल्ट देख सके, अपने आप को रजिस्टर कराने के बाद उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर। आउट ऑफ द स्टेटिक एंड डायनेमिक विच टाइप ऑफ वेबसाइट विल यू सजेस्ट। तो यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट ही काम करेगी। स्टेटिक वेबसाइट क्या है, उस पर एक बार इन्फॉर्मेशन आ गई वो चेंज नहीं हो सकती, बट डायनेमिक में क्या है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो, फाइन। नाउ
विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू एस्टेब्लिश द ऑनलाइन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल इन द एडमिन ऑफिस ऑफ द मुंबई कैंपस एंड द डेली हेड ऑफिस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मुंबई कैंपस और डेली हेड ऑफिस के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन कराना है, वीडियो कॉल करानी है। उसके लिए आप क्या करोगे, केबल टीवी का यूज करोगे, ईमेल का यूज करोगे, टेक्स्ट चैट का यूज करोगे, ऑब्वियस है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही यूज करेंगे। फाइन। नाउ अ कंपनी इन मेगा एंटरप्राइजेस हैज फोर विंग्स ऑफ बिल्डिंग्स। यहाँ पे बिल्डिंग्स के फोर ब्लॉक्स हैं, फोर पार्ट्स हैं, ओके। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग्स, यहाँ पे बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं। फाइन। अब हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। कंप्यूटर्स इन ईच विंग आर नेटवर्क बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क। यहाँ पे कहा गया कि कंप्यूटर्स जो बिल्डिंग्स के अंदर है उनका तो नेटवर्क क्रिएट किया गया है बट इनको आपस में ज्वाइन नहीं किया गया है। द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट द विंग्स ऑल्सो। कंपनी क्या चाहती है, अब इन विंग्स को भी ज्वाइन करना चाहती है कंपनी। फाइन। इन विंग्स को भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहती है। ओके। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको केबल लेआउट बताना है। केबल लेआउट आप दे सकते हो, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे। फाइन। और आप इसको एज अ स्टार टोपोलॉजी भी दे सकते हो। फाइन। बेटर रहेगा आप स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में दो उसको। फाइन। नाउ सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द विंग्स। मैंने आपको बताया जब आप लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे आप स्टार टोपोलॉजी का यूज करो। तो यहाँ पे हम स्टार टोपोलॉजी को यूज करेंगे। राइट। द कंपनी वॉन्ट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स, सजेस्ट अ सुटेबल टेक्नोलॉजी। कंपनी क्या चाहती है, इंटरनेट एक्सेस करना चाहती है जितने भी विंग्स हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे वो आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, यहाँ पे हम ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। फाइन। वेरी फास्ट, ओके, एंड इट विल कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फाइन। नाउ आपका नेक्स्ट क्या है, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन इफ द कंपनी वांट्स मिनिमाइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक। अब आपको रिपीटर एंड स्विच के बारे में बताना है कि इनको आप कहाँ कहाँ प्लेस करोगे। तो रिपीटर के लिए हम देख लेते हैं हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं रिपीटर को। यहाँ पे वैसे हम कर सकते थे W4 एंड W3 के बीच में, W4 एंड W3 के बीच में अगर हम करना चाहे, अगर हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो W4 एंड W3 के बीच में, लेकिन यहाँ पे आपने इस तरीके से कनेक्टिविटी की है तो यहाँ पे आपने नॉट रिक्वायर्ड कर दिया। अदरवाइज अगर आप इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करते, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करते तो आप यहाँ पे रिपीटर को यूज कर सकते थे। वैसे आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बिटवीन द W4 एंड W3। फाइन। ओके। अब यहाँ पे हब एंड स्विच कहाँ पे यूज होगा, वो एवरी विंग, इन एवरी विंग, सारे विंग्स के अंदर भी, एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग द स्टार टोपोलॉजी तो आउटसाइड द विंग्स भी, ओके, टू क्रिएट द टोपोलॉजी। फाइन। नाउ द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विद द ऑफिसेस इन हिली एरियाज। राइट। तो कंपनी क्या चाहती है, न्यू दिल्ली का जो ऑफिस है उसको हिली एरियाज में जो ऑफिसेस हैं उनके साथ कनेक्ट करना। सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट इट्स इकोनॉमिकली। राइट। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो तरीका है कनेक्ट करने का है वो क्या है, रेडियो वेव से, क्योंकि वायर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे और पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जब जहां पर आपको हिली एरियाज के अंदर कनेक्टिविटी चाहिए होती है इंटरनेट की, ओके, तो वहां पे आप रेडियो वेव्स का यूज करते हो, या नेटवर्क आपको क्रिएट करना होता है तो आप वहां पे रेडियो वेव्स का यूज करते हो। ओके। नाउ अ लार्ज एजुकेशनल कैंपस विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू कनेक्ट इट्स वेरियस फैसिलिटीज। राइट। तो यहाँ पे एक एजुकेशनल कैंपस है जिसके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है और बिल्डिंग्स है, ओके, तो वो क्या करना चाहता है, वो कैंपस एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहता है जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बीच में। फाइन। The campus comprises 5 main buildings. Campus में 5 buildings हैं, each with specific distance and computers requirement. और यहाँ पे देखो उन buildings का distance दिया हुआ है और computers दिए गए हैं कि buildings में computers कितने कितने हैं। तो यहाँ पे ये particular educational campus अपने complete infrastructure को एक network में join करना चाहता है, okay?
बेस्ड ऑन द गिवन स्पेसिफिकेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने, सजेस्ट अ पॉसिबल केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग द बिल्डिंग्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। आपको केबल लेआउट दिखाना है कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सी को बी से कनेक्ट किया है, सी को बी से कनेक्ट किया है, सी और बी के बीच में 30 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। देन बी को ए से एंड देन ई एंड डी, तो एक तरीके से यहाँ पर स्टार टॉपोलॉजी का ही यूज किया गया है। फाइन, ओके, नेम द टोपोलॉजी यूज फॉर अबव केबल लेआउट। तो यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी यूज की गई है, जो हमने केबल का लेआउट शो किया है, वो है हमारी स्टार टोपोलॉजी। फाइन, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपको सर्वर बताना है कि आप कहाँ पे क्रिएट करोगे, कहाँ पे प्लेस करोगे। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हमारे पास बिल्डिंग बी में है, तो बिल्डिंग बी में हम सर्वर प्लेस करेंगे, बनाएंगे, एज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। अगेन आपको हब एंड स्विच और रिपीटर का बताना है। हब एंड स्विच क्या होगा, इट विल बी प्लेस्ड इन ईच बिल्डिंग, ओके। एंड रिपीटर आप कहाँ पे यूज करोगे, जहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे बी एंड डी के बीच का आपको डिस्टेंस देखना है। बी एंड डी का यहाँ पे बी से लेकर डी के बीच में डिस्टेंस का देखना है आपको, कहाँ पे है बी एंड डी, ये रहा 145 मीटर्स, ओके, बी एंड डी। फाइन, ओके, तो यहाँ पे आप रिपीटर का यूज करोगे। द कंपनी वॉन्ट्स टू लिंक इट्स हेड ऑफिस इन ए बिल्डिंग टू इट्स ऑफिस इन सिडनी। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपनी ए वाली जो बिल्डिंग है, एडमिन वाली बिल्डिंग है, उसको ये सिडनी में जो ऑफिस है उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। वट टाइप ऑफ नेटवर्क दिस कनेक्शन रिजल्ट इन टू। तो यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये कौन सा नेटवर्क बनेगा, ये आपका वैन नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। ओके, okay everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.